हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्लॉट बुकिंग करना बहुत ही आसान है। जैसे हम पहले गूगल पे आएँ और यहाँ पे सारथी डॉट परिवहन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है जो परिवहन विभाग का, रोडवेज का, तो उसको मैं ओपन करता हूँ। तो parivahan.gov.in, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे लर्निंग लाइसेंस के लिए। और इसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले जानेंगे कि लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे लेते थे। यहाँ पे आप स्टेट पे सेलेक्ट करेंगे तो सारा स्टेट आ जाएगा। जिस स्टेट को आपको करना है सेम प्रोसेस रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर। तो मुझे अभी बिहार का करना है, तो मैं बिहार पर क्लिक करता हूँ। बिहार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऐसे कुछ इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे आपका आप चाहें तो लर्निंग लाइसेंस अपॉइंटमेंट हर एक चीज़ के ले सकते हैं। हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आ गया उसका, ठीक है। गाइडलाइंस आपको पढ़ना पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ के यहाँ पर स्लॉट बुकिंग पे जाएंगे और लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ आपका डिटेल्स मांगा जाएगा और डिटेल को हमको फिलअप करना है, ठीक है। ये डिटेल खुल गया। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट अपॉइंटमेंट ऊपर पढ़ लेंगे, ये सब सही है। तो यहाँ पर सारथी सर्विस लिखा है, इस पर हम लोग पहले क्लिक करेंगे। तो ये एप्लीकेशन नंबर वाला ये हाईलाइट करने लगेगा। अब यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर कर देते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद हम लोग हो गया। अब इसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने दिया था, अपना डेट ऑफ बर्थ जो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं या यहाँ से कैलेंडर से चूज भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमको करना है अपना कैप्चा जो दिखा रहा है वो फिल कर देना। कैप्चा फिल करके हम लोग सबमिट करते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि किसके नाम से है, फादर्स नेम क्या है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उम्र क्या है, जेंडर क्या है। तो ये सब डिटेल अगर सही है, आपको मैच कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू बुक पे हम लोग क्लिक करेंगे। वेट करने के बाद हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे दूसरे पेज पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड बुक स्लॉट पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट बुकिंग में यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका कौन सा डेट करना है। तो जैसे मुझे 16 तारीख को, आज 16 तारीख था तो मुझे करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें पूछा टाइमिंग क्या है, कितने बजे आपको करना है, तो मुझे 12:30 से 1:30 बजे के बीच में करना है। तो आठ सीट बाकी है वहाँ पे मैंने क्लिक किया और बुक स्लॉट पे क्लिक किया। आपको दूसरा डेट चाहिए तो यहाँ पे दूसरा डेट और दूसरा टाइमिंग भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर OTP जाएगा, OTP चला गया। थोड़ा सा वेट करेंगे और OTP यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं OTP मिल गया मुझे, अभी मैं OTP इंटर करूँगा, ओके। तो यहाँ पे OTP इंटर, और अगर आपको डेट और टाइमिंग का जो है इशू है तो आप किसी भी डेट में, जो भी आगे अवेलेबल डेट है वो ग्रीन कलर में दिखेगा आपको, वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइमिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं OTP इंटर कर दिया और कन्फर्म टू स्लॉट बुक पर क्लिक किया। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद डायरेक्ट ये हमको पेमेंट के पेज पे लेते जाएगा। आप सारे स्टेट के लिए ऐसे ही होता है, कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये अपने हिसाब से वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी देख रहा है, इसको देखने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और ऐसे होगा। तो हम लोग वेट कर लेते हैं हल्का, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ गए हम लोग, अब पेमेंट पेज पे हम लोग, सॉरी पेमेंट तो पहले हो जाता है। यहाँ पे स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, ये देखिए आप। तो आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट DTO C1 एप्लीकेशन नंबर आ गया, और यहाँ पे डियर आपका नाम आ गया, डियर सर सालम, थैंक यू फॉर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग विद रिस्पेक्ट टू बुकिंग अपॉइंटमेंट इन शेड्यूल्ड टू 16/1 को 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करके इसको हम लोग सेव कर लेंगे और प्रिंट आउट निकाल के अपना लेते जाएंगे, या किसी कस्टमर को देना है, आपके पास कस्टमर है तो कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद दोबारा से मैं इसको प्रिंट कर लूँगा।
या अगर कस्टमर आपका कहीं दूर रहता है तो यहाँ पे सेव करके आपको व्हाट्सएप कर दीजिए उनको। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऐसे आप कर सकते हैं। और इस लर्निंग लाइसेंस के रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके और मेरे चैनल पे जाके आप इस सारा देख सकते हैं वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने तरफ से अच्छा से वीडियो बनाया हूँ। अगर कोई आपको दिक्कत हो या कोई भी फीडबैक देना हो कि आपको फंबल मार रहे हैं, बीच में बोलने में कोई दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में और सुधार करके वीडियो बनाऊँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से जो भी है यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, स्लॉट इंक्वायरी, स्लॉट बुकिंग, स्लॉट कैंसिलेशन, अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ सारा चीज़ कर सकते हैं। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए नया लेकर आऊँ। और कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करिएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, और किसी का हेल्प हो जाएगा तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। ठीक है, थैंक यू।